हेलो स्टूडेंट्स, सो हम कर रहे थे चैप्टर हमारा सेकंड चैप्टर किंग्स फार्मर्स एंड टाउन्स। तो स्टूडेंट, इससे पहले हमने अपने टू लेक्चर हैं जो कर लिए हैं, जिसमें हमने नियर अबाउट है जो हमारा 70% है, 75% चैप्टर हमारा उन टू वीडियोस में है जो कंप्लीट हो गया है। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इसका 4th, 6th, 7th एंड 8th टॉपिक है, उसके बाद हमारा जो चैप्टर है वो कम्प्लीट हो जाएगा। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स करते हैं स्टार्ट। टॉपिक 8th है हमारा टाउन्स एंड ट्रेड, टॉपिक 6.1 न्यू सिटीज, 6.2 अर्बन पॉपुलेशन, 6.3 ट्रेड इन द सब कॉन्टिनेंट एंड कॉइन्स इन एंड किंग्स। ठीक है जी, तो ये सारा हमारा जो टॉपिक है जो रिलेटेड है, जिससे हम ये बोल सकते हैं कि जो टाइम पीरियड है जो हमारा चैप्टर चल रहा है किंग्स फार्मर्स एंड टाउन्स वाला, तो उसकी जो हिस्ट्री हमारी चल रही है 600 BC से लेके 600 CE तक, तो उसमें टाउन्स एंड ट्रेड्स कैसे चलता था, कैसे टाउन्स डेवलप हुए थे और न्यू सिटी कैसे इमर्ज हुई, उसके बारे में डिस्कस करना है हमने। सो जैसे जैसे मैं आपको बताता हूँ स्टूडेंट्स के, जैसे इकोनॉमी बढ़ रही थी, जैसे जैसे न्यू वेपन्स यूज हो रहे थे, टेक्नोलॉजी आ रही थी, टाइम के साथ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ रही थी, तो ट्रेड है जो वो भी एक्सपेंड हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, और उसके साथ साथ ट्रेड इंक्रीज होने के साथ साथ जो टाउन्स हैं वो भी डेवलप हो रही थी, यानी कि सिटीज डेवलप हो रही थी, न्यू सिटीज बन रही थी, लोगों के आने के जाने का एक जगह से दूसरी जगह चीजों को एक्सचेंज करना, गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करना, तो उससे क्या होता था, एक मार्केट एस्टेब्लिश हो रही थी। ठीक है जी, तो मार्केट एस्टेब्लिश होने के क्या रीजन थे उसमें, देखिए मोस्टली लोग हैं जो टेम्पल्स में जाते थे, टेम्पल्स में वो अपने जो भी उनकी जो रिलीजियस फिलोसफी है उसके अकॉर्डिंग वो टेम्पल में डिवोशन करते जाते थे किसी भी गॉड की या गॉडेस की, तो वहाँ पे जब वो रहते थे खाना पीना, वहाँ पे मार्केट है जो धीरे धीरे इस्टेब्लिश होनी शुरू हो गई, यानी कि टेम्पल्स टाउन है जो इस्टेब्लिश होने शुरू हो गए। सो टेम्पल टाउन इस्टेब्लिश होने से क्या होता था, एक तरह से गुड्स एंड सर्विस का फ्लो स्टार्ट हो गया, यानी कि ट्रेड स्टार्ट हो गया। अब वहाँ पे सामान आता है, सामान उतरता है, लोग परचेज करते हैं, खरीदते हैं, बाय करते हैं, फिर वहाँ से चले जाते हैं, तो ऐसे है जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो चेंज होनी शुरू हो गई। कम्युनिकेशन जैसे जैसे बढ़ता रहा वैसे वैसे ही टाउन्स एंड ट्रेड्स हैं जो बनते रहे और न्यू सिटीज हैं डेवलप होती रही। तो मैं आपको वही बता रहा हूँ, न्यू सिटीज डेवलप होने का रीज़न भी यही था कि जो टेम्पल टाउन्स हैं वो लोगों की रिलीजियस है जो भी उनकी आस्था होती है, धार्मिक आस्था होती है, तो उसको मेंटेन करने के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और वैसे ही उनका जो गुड्स का भी फ्लो है जो उनके साथ साथ होना शुरू हो गया। राइट एवरीबडी, तो यहाँ पे हमारे पास जो पॉइंट दिए हुए हैं, जैसे आर्टिसंस है, आर्टिसंस ट्रेडर्स ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स, देखिए जो ट्रेडर्स हैं, आर्टिसंस हैं या काश्तकार हैं, ट्रेडर हैं, उन्होंने अपने आप को ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट कर दिया। जैसे उन्होंने गिल्ड्स बना लिए, गिल्ड्स में ऐसे ग्रुप बना लिए जो कोई पर्टिकुलर कोई भी काम करते हैं, काम में स्किल्ड होते हैं, जैसे हम बोल सकते हैं ब्लैक स्मिथ हो गए, कारपेंटर्स हो गए, उन्होंने अपने अपने ग्रुप बना लिए, उसको क्या बोला जाता था, गिल्ड बोला जाता था, गिल्ड और स्ट्रीम्स। गिल्ड प्रोड्यूस रॉ मटेरियल एंड रेगुलेटेड प्रोडक्शन, मार्केटेड द फिनिश प्रोडक्ट। तो वो जैसे उनके ग्रुप बनते थे तो ग्रुप्स में वो बैठ के काम करते थे, मटेरियल रॉ मटेरियल है परचेज करके लेके आते थे और उससे वो क्या करते थे, फाइनल प्रोडक्ट है जो वो बना के उसको मार्केट में सेल किया जाता था। सो ट्रेड वॉज नॉट कन्फाइंड विद इन द सब कॉन्टिनेंट बट एक्सटेंडेड टू ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका, वेस्ट एशिया एंड साउथ एशिया एंड चाइना। सो जो ट्रेड है वो लिमिटेड नहीं रहा, ट्रेड ये नहीं था कि एक ही एरिया में लिमिटेड है या एक सिटी से दूसरी सिटी तक है जो ट्रेड हो रहा है। अब ये ट्रेड है जो एक तरह से इंटरनेशनल ट्रेड हो गया, साउथ नॉर्थ वेस्ट एशिया साउथ एशिया साउथ ईस्ट एशिया, तो वहां तक है जो ट्रेड है जो एक्सपेंड होता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था, और जिससे क्या हो रहा था, लोग हैं इन्वॉल्व होते जा रहे थे ट्रेड में। ट्रेड में जैसे जैसे वो इन्वॉल्व हो रहे थे वैसे वैसे उनकी एक्टिविटी भी बढ़ती जा रही थी। सो ट्रेड अब लिमिटेड नहीं रहा, ट्रेड अब एक्सपेंड हो चुका है, बढ़ चुका है, हर तरफ बढ़ चुका है, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर है जो ट्रेड है जो वो इंक्रीज हो चुका है। ठीक है, ये हमारे पास आता है कि ट्रेड है जो बहुत बढ़ रहा था, जो अर्बन पॉपुलेशन है वो भी बढ़ रही थी, जैसे जैसे ट्रेड बढ़ रहा था न्यू सिटीज है जो डेवलप हो रही थी। ठीक है, इंडिया यूज्ड एक्सपोर्ट
अब इंडिया ने देखो क्या क्या एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया था। देखिए इंडिया में इससे जो स्पाइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस हो चुकी थी, यूरोपियन कंट्री में इंडियन स्पाइसेस हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस हो चुकी थी, तो वो एक्सपोर्ट हो रही थी बाहर, और एक्सपोर्ट हो रही थी फाइन पर्ल्स, आइवरी, सिल्क क्लॉथ, मेडिसिनल प्लांट्स, ये सारी चीज़ें हैं जो एक्सपोर्ट हो रही थी बाहर, यानी कि इंडिया से ये चीज़ें बाहर जानी शुरू हो चुकी थी। ट्रेड है जो इतना बढ़ चुका था। इंडिया एंड कॉन्टैक्ट विद द कंट्रीज ईस्टर्न साइड अलॉन्ग विद द बे ऑफ बंगाल एंड वेस्टर्न साइड नॉर्थ की नॉर्थ अफ्रीका नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट एशिया एंड सम पार्ट्स ऑफ द यूरोप एज वेल। सो सक्सेसफुल मर्चेंट वर कॉल्ड अ मस्तुवन इन तमिल एंड सेथ इन प्राकृतिक। अब देखिए इनके लिए जो वर्ड है वो यूज एक पर्टिकुलर वर्ड्स यूज होने शुरू हो गए, जैसे कि मर्चेंट्स के लिए मस्तवान यूज होना शुरू हो गया, सेठ्स के लिए सिद्धवाहंस, ये वर्ड हैं जो यूज होने शुरू हो गए। ठीक है जी, तो ऐसे है जो ट्रेड है जो फ्लरिश हो रहा था, अर्बन पॉपुलेशन बढ़ रही थी, ट्रेड है सब कॉन्टिनेंट भी की तरफ जा रहा था, न्यू सिटीज बन रही थी। अब उसके बाद देखिए कॉइन एंड किंग्स। अब हमारे पास बहुत सारे कॉइन्स भी हैं, कॉइन्स भी हमें मिलते हैं जिससे हम ये आइडिया लगा सकते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि कौन से किंग ने कौन से कॉइन है अपने टाइम में इशू किए। ठीक है जी, कॉइन भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ट्रेड का, क्योंकि जैसे हमें कॉइन मिले हैं वैसे ही हम आइडिया लगा के, हिस्टोरियन ने आइडिया लगा के हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट किया है, आइडिया नहीं एविडेंस लेके उन्होंने हिस्ट्री है उसको रिकंस्ट्रक्ट किया है। ठीक है जी, एक्सचेंज ऑफ गुड्स टुक प्लेस थ्रू द कॉइनेज। ठीक है जी, जैसे अब हम मार्केट में जाते हैं, तो मार्केट में हम जाते हैं तो हमें कोई भी सामान चाहिए, हमें कोई भी ज़रूरी चीज़ चाहिए जो हमें हमारी डेली लाइफ के लिए डेली रूटीन के लिए ज़रूरी होती है, तो हम मार्केट में जाते हैं तो उससे पहले हम अपनी पॉकेट चेक करते हैं, और पॉकेट में हम क्या देखते हैं कि पॉकेट में हमारे पास बस पैसा है, मनी है, या हमारे पास कॉइन है, या हमारे पास पेपर करेंसी है। आज के टाइम में तो पेपर करेंसी चलती है, हमारे टाइम में तो उस टाइम में पेपर करेंसी नहीं चलती थी, उस टाइम में कॉइन चलते थे, कॉइन्स चलते थे। तो जो भी ट्रेडर होते थे, जो भी चीज़ें दी जाती थी या ली जाती थी, जो भी एक्सचेंज सिस्टम चलता था वो कॉइन के ऊपर चलता था, यानी कि लोग हैं जो कॉइन के थ्रू है जो मार्केट से चीज़ों को परचेज करते थे या फिर सेल करते थे कॉइनेज के बदले, तो ऐसा सिस्टम है जो वो चलता था। पंच्ड मार्क कॉइन ऑफ कॉपर एंड सिल्वर। अब देखिए पंच्ड हमें जो कॉइन मिलते हैं वो पंच्ड हैं, यानी पंच किए हुए हैं, और वो कॉइन किसके हैं, सिल्वर के हैं और कॉपर के हैं। ठीक है जी, और कॉइन हैड इंस्क्रिप्शन पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन विच वॉज इशूड बाय द किंग। अब देखिए कॉइन कितने तरह के, कॉइन अलग अलग प्रकार के हमें कॉइन मिलते हैं, कुछ कॉइन हैं जिनके ऊपर पिक्चर्स बनी हुई हैं, पिक्टोरियल हैं, कुछ कॉइन हैं जिनके ऊपर सिर्फ कुछ लिखा हुआ है, रिटन है। तो पिक्चर बनाने की क्या उनका मेन मोटिव होगा कि पिक्चर क्यों बनाते हैं, पिक्टोरियल कॉइन क्यों है, क्योंकि उस टाइम पे जो भी किंग होता था, जो भी राजा होता था, वो अपनी पिक्चर उसके ऊपर है जो पंच की जाती थी उसकी पिक्चर, जिससे ये पता चल जाता है कि ये जो किंग है उसके टाइम की ये कॉइन है। ठीक है जी, और उस टाइम पे ये कॉइन चलते थे, इस टाइम पे ये कॉइन चलते हैं, तो ऐसा सिस्टम चलता था कि वो कॉइन है इजीली हमें आइडेंटिफाई हो जाता है कि वो उस किंग के कॉइन है जिस टाइम पे वो किंग है वहां पे रूल करता है। तो पिक्चर से हमें इन चीजों के बारे में पता चल जाता है, नॉलेज हमें मिलती है। ठीक है जी, और उसके अलावा फर्स्ट गोल्ड कॉइन है जो इशू किए थे, किसने किए थे, कुशाना ने। ठीक है जी, कुशवाहा ने फर्स्ट सेंचुरी में गोल्ड कॉइन है जो इशू किए, और वर्टिकली आइडेंटिकली वे टू दोज इशूड बाय द कंटेम्प्रेरी रोमन एम्परर्स, हिस्टोरियन सजेस्ट लिंक विद द रोमन एज वेल। अब देखिए ऐसे कॉइन है जो हमारे हमें मिलते हैं जहाँ पे कुछ रोमन के रोमन एम्पायर से रिलेटेड कॉइन भी मिलते हैं, तो इससे हम आइडिया ये लगा सकते हैं कि जो अम्पायर रोमन एम्पायर से इनका ट्रेड चलता होगा, यानी कि ये भी ट्रेड करते होंगे, उनसे लेन देन है, जो एक्सचेंज है, जो सिस्टम है वो इनका उनके साथ चलता होगा। सो ये एविडेंस हमारे पास है, तो कॉइन हमें ये चीज़ है जो डिपिक्ट करते हैं। और जो कॉइन को स्टडी करने का एक मेथड होता है, तो उसको क्या बोला जाता है, न्यूमिस्टिमैटिक्स, न्यूमिस्टिमैटिक्स यानी कि स्टडी ऑफ कॉइनेज। इट मीन्स ये एक तरह से एक टर्म है, एक वर्ड है
हम बोल सकते हैं कि एक वर्ड, पर्टिकुलर वर्ड है जो यूज किया जाता है मैथमेटिक्स जो है स्टडी है कॉइन की, तो ये स्टूडेंट आपने रखना है। कई बार वन मार्क्स या शॉर्ट आंसर टाइप या फिलअप्स में एक क्वेश्चन है जो एमसीक्यूज में ये पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द नोमैस्मेटिक्स, ठीक है जी। तो एक्सचेंज वर फैसिलिटेड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉइन, जैसे कॉइन है जो इंट्रोड्यूस हुए तो क्या हुआ, एक्सचेंज करना इजी हो गया, यानी कि इजीली वो एक्सचेंज कर सकते थे, हर एक पर्सन एक दूसरे के साथ एक्सचेंज है वो चीजें कर सकता है, ठीक है जी। उसके बाद हम नेक्स्ट आ जाते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बैक टू बेसिक्स इंटरप्रिटेशन डिसअपीयर। एंड अब यहाँ पे हमारे पास देखिए हम वापस आ जाते हैं बेसिक्स के ऊपर। जैसे हम बात करते हैं कि बहुत सारी लिपिज ऐसी हैं, बहुत सारे ऐसी स्क्रिप्ट हैं जो हमें मिली हैं जो डिसअपीयर नहीं हुई हैं, यानी कि अनडिसअपीयर हैं, इट मीन्स वो पढ़ी नहीं जा सकी, क्लियर नहीं हुआ अभी उसमें क्या लिखा हुआ है। देखिए अब यहाँ पे हमारे पास ये तो है कि जो ब्रह्मी है या क्रोशदी है उसको ट्रांसलेट किया गया जेम्स प्रिंसिप के द्वारा, बट वो भी एक तरह से हम ये सब बोल सकते हैं कि प्रॉपर एविडेंस हमें फिर भी नहीं मिलते। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो इन चीजों में नहीं बताई हुई। जेम्स प्रिंसिप एन ऑफिसर इन द इन मिंट ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एबल टू डिसअपीयर अशोकन ब्रह्मी इन 1838। द कॉइन इंडो ग्रीक कॉइन्स नेम्स किंग रिटन इन ग्रीक एंड क्रोशियन स्क्रिप्ट। अब देखिए जो ब्रह्मी जो क्रोशियन लैंग्वेज है जो उसको ट्रांसलेट किया जेम्स प्रिंसिप ने, तो उन्होंने बताया कि जो इंडो ग्रीक किंग्स थे उनके उनके कॉइन्स के ऊपर उनके नेम है जो लिखे हुए हैं क्रोशियन स्क्रिप्ट पे, ये चीज है जो बताई गई है। सो यूरोपियन स्कॉलर्स ने लेटर्स को सिंबल्स को ए के साथ कंपेयर किया, बोथ स्क्रिप्ट वर राइटिंग मेन नेम्स ऑफ एप्लोडोटस। एप्लोडोटस कौन है जी, ग्रीक किंग है जी, ठीक है जी। एप्लोडोटस जो कॉइन हमें मिले हैं उसके आधार पे हम ये बोल सकते हैं हुआ एप्लोडोटस, तो वो एक ग्रीक किंग था जिसके जिससे रिलेटेड हमें कॉइन मिले और उसका जो जिक्र है ब्रह्मी कोशदी लैंग्वेज में किया गया है, ठीक है जी। सो उसके बाद हमारे पास ये आ जाता है कि डिसअपीयरिंग ब्रह्मी, बहुत सारी चीजें हैं जो हमें नहीं रीड की गई। हाउ क्रोशदी वॉज रीड, तो उन्होंने कैसे क्रोशदी को रीड किया, जो इंग्लिश लेटर हैं उसके लेटर्स को मिला के उन्होंने जो क्रोशदी लैंग्वेज है उसको उन्होंने रीड किया, ठीक है जी। उसका आइडिया लगा के उन्होंने ये बताया कि जो चीजें हैं वो ऐसे होती होंगी या ऐसे वो वर्क है प्रॉपरली चलता होगा। तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारे पास हिस्टोरिकल एविडेंस फ्रॉम इंस्क्रिप्शन। हिस्टोरिकल एविडेंस ऑफ इट मींस इट इज फाउंड दैट नेम ऑफ शोका इज नॉट मेंशन द इंस्क्रिप्शन। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एक और दिक्कत ये है कि जो भी हमें हिस्टोरिकल एविडेंस मिले, इंस्क्रिप्शन मिले हैं, उन इंस्क्रिप्शन पे कहीं पे भी अशोका का नेम मेंशन नहीं है, तो हम ये भी नहीं बोल सकते कि वो राइटली वो अशोका ने लिखी है या अशोका अंपायर से ही रिलेटेड है। ये चीजें भी कंफ्यूज करती हैं, तो हिस्टोरियन है उनको यहाँ पे भी प्रॉब्लम है जो फेस करनी पड़ती है, ठीक है जी। सो उसके बाद इंस्टेड द किंग रेफर्ड एज अ देवन मा पिया बिहोल्ड टू गॉड्स एंड पियादसी प्लीजेंट टू बिहोल्ड। देयर इज अ फ्यू इंस्क्रिप्शन आल्सो रेफर टू किंग अशोका, दीज इंस्क्रिप्शन आर आल्सो कंटेनिंग सच टाइप ऑफ। कुछ इंस्क्रिप्शन हैं जो हमारे पास जो हमें अशोक से रिलेटेड हैं या अशोक के बारे में हमें बताती हैं, तो उनसे हमें पता चलता है कि हाँ जी ये तो अशोक से ही रिलेटेड हैं, अशोक जी ने ही ये इंस्क्रिप्शन है जो वो प्रिंट करवाई होंगी, ठीक है जी। तो ऐसे प्रॉब्लम्स भी हैं और कुछ चीज़ें सही भी हमें मिली हैं, कोई एविडेंस सही भी है, ठीक है जी। तो लास्ट में हमारा जो टॉपिक रह जाता है लिमिटेशन ऑफ इंस्क्रिप्शन एविडेंस। अब लिमिटेशंस में हम वही चीज़ें दोबारा से इसको डिस्कस करते हैं कि क्या क्या लिमिटेशंस हैं, कमियां कौन कौन सी हैं इसमें। सो सबसे पहले इंस्क्रिप्शन हैव सम लिमिटेशन, लेटर्स मे बी वेरी फ्रेंडली एनग्रेव्ड। कुछ लेटर्स ऐसे हैं कि बहुत धुंधले हो चुके हैं, ठीक है जी, दूर दूर लिखे हुए हैं, उनको रीड करना बहुत मुश्किल है। इंस्क्रिप्शन में भी डैमेज और लेटर मिसिंग, और ये इंस्क्रिप्शन इतनी ज़्यादा पुरानी है और पुरानी होने की वजह से ये डैमेज हो चुकी हैं, तो उसके बहुत सारे लेटर मिसिंग हैं।
तो उसके बाद इट्स नॉट श्योर दैट एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड, अब हमें ये नहीं पता कि जो वर्ड वहां पे लिखा है उसका ये मीनिंग होगा, ठीक है जी। तो आइडिया है हमारे पास, आइडिया लगा के हम उसको गैस लगा के हैं जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमें प्रॉपर मीनिंग भी नहीं पता उन लेटर्स का, तो ये भी एक लिमिटेशन है। अदर देन इंस्क्रिप्शन में नॉट हैव बी लिस्टेड रिवीज ऑफ टाइम अवेलेबिलिटी प्रेजेंट सिंपली फ्रैक्शन, तो कोई भी टाइम की मेंशन नहीं है, अभी उस टाइम पे ही हुई होंगी, तो ये भी एक दिक्कत है, टाइम मेंशन किसी पे भी नहीं है। सो इकोनॉमिक इंस्क्रिप्शन में नॉट बी प्रोवाइड अ कंप्लीट आइडिया अबाउट पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री, तो जो इंस्क्रिप्शन है हमें ना तो प्रॉपर पॉलिटिकल ना ही प्रॉपर इकोनॉमिकल इंफॉर्मेशन देती है, ठीक है जी। तो दीज आर द लिमिटेशन, दीज आर द क्रिटिकल एवेल्यूएशन ऑफ द इंस्क्रिप्शन। सो स्टूडेंट्स नाउ वी हैव कंप्लीट दिस चैप्टर, तो हमने ये चैप्टर अपना हमारा पूरा हो गया है जी, तो इसमें हमने जो 8 टॉपिक हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। सो 3 लेक्चर में हमने ये वीडियोस बनाई हैं, तो आपने वीडियोस को अच्छे से वॉच करके एनसीईआरटी को रीड करना है, तो फुली आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। थैंक यू एवरीवन, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे, ओके।